Hello friends, welcome to Let's Simplify. Today we are going to start with a new type of differentiation, the last type, which is the differentiation of higher order derivatives. And higher order derivatives mein hum log padhenge second order derivative kyunki aapke syllabus mein sirf second order tak sums hai. Previously hum logon ne jo types dekhe hue hain uski links main description mein de dunga. I request you to please go through those videos first. So without much of ado, let's get started with second order derivative. तो देखिए क्लास, सवाल यही है कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, कैसे इसमें प्रोसीजर होगा, व्हाट इज द वर्किंग रूल एंड व्हाट ऑल थिंग्स डू वी डू इन दिस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. देखिए अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, अब तक हम लोग को एक फंक्शन दिया होता था, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करके हम लोग उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते थे. ओके, प्रोबेबली वी यूज्ड टू डिनोट इट बाय dy / dx. हम लोग dy / dx अब तक निकाल रहे थे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग निकाल रहे थे. लेकिन व्हाट इफ आई आस्क यू, इस जो चेंज आया ना उसका चेंज बताइए, मतलब ये जो चेंज हो रहा है इस चेंज का डिफरेंशिएशन, इस चेंज का रेट विद रिस्पेक्ट टू x. इन शॉर्ट आई एम आस्किंग यू, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, इस चेंज को ही डिफरेंशिएट कर दूं, तो क्या ये वही होगा, लाइक d by dx ऑफ d by dx. देखिए ये तुम्हारा है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पूरे रेट को ही डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मतलब इसी का फिर से मैं रेट निकालू. व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है. तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, देखिए d by dx ऑफ d by dx का आंसर होता है d square ऑफ समथिंग लाइक, अगर मैं dy / dx को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इट विल बी d square y अपॉन dx square. देखिए यूजुअली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स डू कंफ्यूज इन दिस, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू dy / dx द होल स्क्वायर. ये दोनों चीजें बहुत अलग है क्लास, सो ये दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है. d square y upon dx square signifies that आप dy / dx को दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, यानी आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया हुआ है. और इसका मतलब क्या होता है, आपने डेरिवेटिव तो एक ही बार लिया और जो डेरिवेटिव आपको मिला उसका आपने स्क्वायर किया हुआ है, तो ये दोनों चीजें काफी अलग है. तो यहाँ पर सम्स कैसे आने वाले हमारे पास, ओके, व्हाट काइंड ऑफ सम्स आर वी गोइंग टू डील विद इन दिस टाइप. देखिए इस टाइप में सम्स आपको नॉर्मली होंगे, जैसे आपको सम दिया जाएगा, बस क्वेश्चन में दिया होगा कि फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी जब आपके पास क्वेश्चन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, या फिर फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, तो आपको समझ जाना है कि उन्होंने बात की है d स्क्वायर y / dx स्क्वायर की. फंक्शन को एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे कि आपके पास y दिया जाएगा, आप y को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको dy / dx मिलेगा, और फिर से इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको d स्क्वायर y / dx स्क्वायर मिलेगा. अब ये कैसे होने वाला है, एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये बता देता हूं. देखिए अगर आपका y एक फंक्शन है, इफ y इज अ फंक्शन व्हिच इज x रेज़ टू 7 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, ये आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है और इसका हमें निकालना है डबल डेरिवेटिव, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे dy / dx मिलेगा. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका निकालते हैं, अभी तो हम लोग लास्ट टाइप पे पहुंच गए, शायद इसका डेरिवेटिव आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा और आपको आना भी चाहिए अभी तक. तो x रेज़ टू 7 का डेरिवेटिव होगा 7x रेज़ टू 6 माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और 7x का हो जाएगा प्लस 7, क्योंकि x तो क्या है, x तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, सॉरी x तो x रेज़ टू 1 है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, सो इट इज गोइंग टू बी 7. और तो dy / dx को थोड़ा और सिंपलीफाई करके मैं लिख देता हूं 7x रेज़ टू 6 माइनस 6x प्लस 7. ओके, तो ये रहेगा आपके dy / dx का वैल्यू. लेकिन मैं पूछ रहा हूं फाइंड आउट d स्क्वायर y / dx स्क्वायर, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग d स्क्वायर y / dx स्क्वायर, यानी कि इसको एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा मैं, ठीक है. तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, 7 into 6x raised to 5 minus 6, क्योंकि x का derivative 1 हो जाएगा और 7 तो constant है, उसका derivative 0. तो आपका final answer होगा ये, जो कि है d square y upon dx square equals to 7 6 is 42 x raised to 5 minus 6. This will be your final answer. I hope आपको ये working rule, ये example समझ गया होगा आपको. तो इसी तरह ही आपको सब मिलेंगे, एक बार differentiate करेंगे, फिर से एक बार differentiate करेंगे, मिल जाएगा आपको d square y upon dx square, यानी कि उसका second derivative. So, चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ सम्स लेते हैं और फिर शुरुआत करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की. सो फ्रेंड्स द क्वेश्चन इज फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ दिस फंक्शन. एक फंक्शन हमें दिया गया, उसका पूछा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो देखेंगे इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है. सबसे पहले उस फंक्शन को, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में फर्स्ट स्टेप करते हैं, उसको वाई पकड़ लेंगे, एक्स क्यूब
प्लस 5x² माइनस 3x प्लस 10, मैंने उसको y कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए उसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या मिलेगा आपको, dy by dx equal to x cube का डेरिवेटिव आपको पता होगा 3x², 5x² का पता होगा 2x, और इसका आएगा 3 × 1, और कांस्टेंट का तो होगा 0। ओके, नाउ dy by dx will be equal to 3x² plus 10x minus 3। ओके, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें एक ही बार डेरिवेटिव निकाला आपने अब तक। अब करेंगे इसको फिर से डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये फिर से क्यों किया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में d² / dx² पूछा है। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता फाइंड dy/dx तो हम लोग यहां पर रुक जाते, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है d² / dx², हम लोग इसे एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, d² / dx² विल बी इक्वल टू 3x² का डेरिवेटिव 2x और 10x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव तो होगा 0। ओके, नाउ 3 × 2 = 6 एंड प्लस 10, फाइनल आंसर ऑफ d² / dx² इज दिस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ गया ये सम, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। So the next question is find d² / dx² of this function that is e^(x)(sin(3x). चलिए इसको शुरुआत करते हैं, इस सम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो वही करना है, let y is equal to your question that is e^(x)(sin(3x). Now once you have taken it as your y, okay, इसको यहाँ पर लिख देते हैं sin(3x). Now once you have taken this as y, now differentiate it first time. जब पहली बार differentiate करोगे तो आपको मिलेगा dy/dx equals to डेरिवेटिव। जब आप निकालोगे यहाँ पर आप देख सकते हो पहला फंक्शन भी x का है, दूसरा फंक्शन भी x का है, हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन का, जिसे हम लोग u × v रूल कहते हैं, वो रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। सो u × v रूल इज u डेरिवेटिव ऑफ v, sin(3x) का डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है तो आपको कंपोजिट रूल में जाना पड़ेगा, क्योंकि sin(3x) का डेरिवेटिव हमारे पास नहीं है, sin(x) का है। तो sin(x) का डेरिवेटिव होगा cos(x), सो cos(3x) * डेरिवेटिव, जैसे x कंसीडर किया मैंने इस 3x को, x कंसीडर किया 3x का डेरिवेटिव होगा 3। ओके, सो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v यानी कि sin(3x) * डेरिवेटिव ऑफ x यानी e^(x) का डेरिवेटिव e^(x). तो ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर देता, इसको dy/dx equals to 3 e^(x) cos(3x) plus e^(x) sin(3x) भी लिख सकता हूं। ठीक है, I have written it in this form. अब इसे एक और बार डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि d² / dx² पूछा है हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड d² / dx². सो चलिए एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो यू विल गेट d² / dx² इज इक्वल टू 3, तो कांस्टेंट है, यहां पर फिर से u × v रूल लगने वाला है, बिकॉज़ इट इज u एंड v। So u derivative of v cos(3x) का derivative होगा minus sin(3x) * 3। Okay, I hope आपको ये 3 समझ में आ जाएगा, ये 3 कहाँ से आया हुआ है, composite rule यहाँ पर apply हुआ है, u derivative of v plus v that is cos(3x) * e^(x) का derivative हो जाएगा e^(x), so we'll write here e^(x) plus again same u × v rule here as well, so it will be e^(x) sin(3x) का derivative cos(3x) * 3, okay, u derivative of v u derivative of v plus v derivative of u यानी कि sin(3x) * derivative of e^(x) जो कि होगा e^(x). ओके, तो आपको ये मिलने वाला है इन सारी चीजों से। ओके, तो आगे का क्वेश्चन, आगे का जो पार्ट है बस सिंपलीफिकेशन है, डेरिवेटिव तो आपका निकल चुका है d² / dx², तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करना चाहूं तो d² / dx² will be equal to, सबसे पहले इस 3 को मैं अंदर भेज दूंगा, सो 3 × 3 will become 9, so it will be minus 9 because this is minus here, e^(x) sin(3x) plus 3 अंदर चला जाएगा, 3 times e^(x) cos(3x), then this e^(x) will go inside, it will become plus 3 e^(x) cos(3x) plus e^(x) sin(3x). ठीक है, so that will be your answer. And if you want, you can just simplify it a bit, like e^(x) sin(3x) यहाँ से भी common ले लो, so yeah, हम लोग उसे और simplify कर सकते हैं, तो अगर करना चाहो तो चलिए यहाँ पर और थोड़ा सा simplify कर देते, ये minus 9 e^(x) sin(3x) है, ये plus e^(x) 3x) है, ये plus 1 और minus 9, I hope आपको minus 8 मिलेगा, so
सो माइनस एट ई रेस टू एक्स साइन थ्री एक्स, ये थ्री ई रेस टू एक्स कॉस थ्री एक्स है, ये थ्री ई रेस टू एक्स कॉस थ्री एक्स है, थ्री प्लस थ्री तो सिक्स होगा, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा सिक्स ई रेस टू एक्स कॉस थ्री एक्स, ये आपका आंसर है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझा है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सम, यू कैन सी यू इन डू रूल यहाँ पर बहुत सारी बार अप्लाई हुआ है, जस्ट आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना था, लाइक नॉट वंस, इट वॉज अप्लाइड वन टू एंड थ्री थ्राइस। So pause the video, note down this. So the next question is this: find d square y upon dx square, and x is given as 280 square, y is given as 480 square. Looking at the question, one thing for sure, आप लोग ये तो determine कर सकते हो कि ये आपका parametric function, जो अभी हम लोगों ने previous videos में पढ़ा हुआ है कि parametric function, because आपका y और x में कुछ relation नहीं है. X is a function of t, y is a function of t, but they are asking us dy by dx. So definitely this goes under the parametric functions, the differentiation of parametric function. तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ से dx upon dt निकालना है और dy upon dt निकालना है, आगे क्या करना है वो बाद में discuss करते हैं। चलिए सबसे पहले तो इसका dx upon dt मतलब differentiating with respect to t, you will get dx upon dt equals to 2a, क्योंकि ये तो constant होगा, हम लोग with respect to t चल रहे हैं, तो t को छोड़ के बाकी सारा हमारा constant है, t square का derivative हो जाएगा 2t और ये आपको मिल जाएगा 480, इसका वैल्यू मिलाइए dx upon dt का करना। ठीक है, अब बात करते हैं y की, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, dy upon dt is equal to 4a जो कि हमारा कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव होगा 1, सो dy by dt का वैल्यू आपको मिल जाएगा 4a, तो dy by dt मिल चुका है, dx upon dt मिल चुका है। बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस आई होप आपको पता होगा कि अगर हमें dy by dx निकालना है तो दिस इज नथिंग बट dy by dt upon dx by dt, अब dy by dt होगा 4a, dx upon dt होगा 480, so 4a upon 480 आपको आंसर मिल जाएगा 1 upon t, ठीक है, आपका आंसर है 1 upon t, लेकिन ये किसका आंसर मिला हमें dy by dx का, तो dy by dx का आंसर है 1 upon t, लेकिन हमें चाहिए d square y upon dx square, यानी हमें इसे एक और बार डिफरेंशिएट करना है, तो हमें एक और बार इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, जब हमें एक और बार इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये t क्या कर रहा है, देखो ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप क्या करोगे इस t को, आप बोलोगे कि सर ये तो t चल रहा है, ओके ये t चल रहा है, हम लोग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करने वाले, तो इसका डेरिवेटिव क्या जीरो है, नहीं यू कांट, द थिंग इज नॉट कि आपको डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे वो वैनिश हो जाएगा, हम लोग इसे कंपोजिट रूल से सॉल्व करेंगे, हम लोग इसे कंपोजिट रूल से सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे होने वाला है। देखिए d square by upon dx square, अगर मान लेते हैं कि ये 1 upon t के जगह पे 1 upon x होता, ये 1 upon t के जगह पे 1 upon x होता, तो आप उसे कैसे सॉल्व करते, क्या मैं इसे t raise to half, t raise to minus 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि t है ना 1 upon t के ऊपर आ जाएगा, t raise to half, t raise to minus 1 बन जाएगा। अब t raise to minus 1 को अगर मैं इस t को x पकड़ लूँ, with respect to x चल रहा है हमारा differentiation, तो क्या मैं इसे 1 upon minus 1 t raise to minus 2 लिख सकता हूँ, n into x raise to n minus 1 into derivative of जिस टर्म को आपने x पकड़ा था, क्या आपने dt upon dx आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आपने t को x पकड़ा हुआ है, तो it will be dt upon dx and finally you will get minus 1 upon t square, क्योंकि ये t raise to minus 2 है, ये नीचे आ जाएगा, t square हो जाएगा, dt upon dx, wait a second, dx upon dt अगर 480 हो सकता है, तो dt upon dx कितना होगा, शायद 1 upon 480 होगा, क्योंकि 480 is the value of dx upon dt, I'm asking you dt upon dx, इसका reciprocal कर दो, तो आपको ये मिल जाएगा, and the final answer for d square y upon dx square will be minus 1 upon 480 cube, so that will be your final answer for this question. एक सवाल जो आपके जहन में अभी भी होगा कि सर ने यहाँ पर t को constant क्यों treat नहीं किया और इसका derivative zero क्यों लिया, इसका reason ये है कि आपका जो पैरामीटर है वो टी है, तो पैरामीटर को आप कांस्टेंट नहीं पकड़ सकते हो, हाँ अगर यहाँ पर 1 upon a आ जाता मुझे, तो मैं डेफिनेटली उसे कांस्टेंट ट्रीट करके आई कुड हैव डन दैट, द डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर पे जीरो बन जा रहा, लेकिन यहाँ पर ये डेरिवेटिव जीरो क्यों नहीं बन रहा है, उसका रीजन ये है कि आपका जो फंक्शन यहाँ पर मिला ना, आपको टी का फंक्शन मिला है और टी खुद आपका पैरामीटर है, यहाँ पर देखो एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी, y is the function of t, अगर ये दोनों t के फंक्शन है तो वो जीरो कैसे, उसको कांस्टेंट कैसे ट्रीट करोगे आप, okay, now that is the reason why I have not considered my t as a constant, okay, so pause the video, note down this question. So the next question is this, find d square y upon dx square,
ऑफ x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, अगेन पैरामेट्रिक में ही है ये, ठीक है, अगेन पैरामेट्रिक फंक्शन। तो चलिए पहले dx अपॉन d थीटा निकालते हैं, फिर dy अपॉन d थीटा, देन वी विल फाइंड dy अपॉन dx एंड देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dx अपॉन d थीटा क्या मिलेगा आपको, देखिए sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, या sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा हो जाएगा, और dy अपॉन d थीटा अगर मुझे निकालना है तो sin क्यूब थीटा का डेरिवेटिव मैं कैसे निकालूंगा, देखिए sin क्यूब थीटा का डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे पैरामेट्रिक फंक्शन, सॉरी मुझे कंपोजिट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा sin क्यूब थीटा, तो उसको x कंसीडर कर लो, x रेज टू n का फार्मूला क्या होता है, n into x रेज टू n minus 1, तो sin स्क्वायर हो जाएगा, into डेरिवेटिव जिसको x कंसीडर किया आपने, आपने तो sin थीटा को x कंसीडर किया क्योंकि ये sin क्यूब है, sin क्यूब का कोई फार्मूला नहीं, हमने sin थीटा को x पकड़ लिया x रेज टू n, ओके सो sin थीटा को पकड़ा हुआ है x में, सो 3 sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा, तो ये रहेगी आपकी वैल्यू dy by d थीटा, तो हमें dy by d थीटा मिल चुका है, हमें dx upon d थीटा मिल चुका है, तो चलिए dy by dx निकालते हैं, आपको पता है इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, सो 3 sin square theta into cos theta upon cos theta will be your dx upon dy upon dx, cos theta cancel, dy by dx आपको मिलेगा 3 sin square theta, dy by dx का आंसर आपको मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि हमें निकालना है d square y upon dx square, तो इसको एक और बार differentiate करते हैं, d square y upon dx square will be equal to, एक और बार differentiate, लेकिन इस बार मैं theta को constant नहीं treat करूँगा, मैंने बोला आपको कि theta हमारा खुद parameter है ना, theta is x आपका theta का function है, x is the function of theta, it cannot be constant, तो चलिए 3 यहाँ पर sin square theta का derivative फिर से composite rule लगेगा, 2 sin theta into dy d theta of sin theta, okay d by dx sorry, it will be d by dx of sin theta, क्योंकि with respect to x कर रहे हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 6 into sin theta का derivative आ जाएगा cos theta into d theta by dx, क्योंकि with respect to x चल रहा है, d theta by dx तो आना चाहिए, फाइनल आंसर विल बी 6 sin थीटा into cos थीटा d थीटा upon dx, जब dx upon d थीटा cos थीटा हो जाएगा, so d थीटा upon dx 1 upon cos थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 upon cos थीटा, ये cos थीटा कैंसिल, फाइनल आंसर विल बी 6 into sin थीटा, ये आंसर है d square y upon dx square, आई होप आपको ये समझ आया, ओके सो इंटरेस्टिंग, कॉपी दिस सम। So the next question is this, if x raised to m into y raised to n is equal to x plus y raised to m plus n, then show that d square y upon dx square is 0. So we have to show that d square y upon dx square is 0, yani second order derivative, mein, ye function aapko value dega 0. So chaliye jo diya hua hai usse shuruaat karenge, aapko diya gaya hai x raised to m, y raised to n is equal to x plus y raised to m plus n. Sabse pehle to ye cheez dhyan mein rakho, ki ye sum solve karne ke liye aapke paas do tarike hai. To start with, you can go by composite function also. Like composite function नहीं बोलूँगा। यहाँ पर आप directly भी start कर सकते हो derivative लेना। इसका derivative और इसका derivative। तो यहाँ पर u into v rule apply करोगे और यहाँ पर x raised to n यानी composite rule यहाँ पर apply करोगे। वहाँ से भी sum solve हो सकता है, लेकिन वो approach काफी lengthy हो जाएगा। I have got some other alternative। हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था in the chapter, sorry, हम लोगों ने previous type में पढ़ा हुआ है। जहां पर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर पावर में कोई नंबर्स होंगे तो लॉग के मदद से वो नंबर्स को हम लोग आगे ला सकते हैं, ठीक है, लॉग का एक प्रॉपर्टी था, या फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हमने ये पढ़ा हुआ। तो चलिए यहां पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स देखेंगे इससे क्या हो जाएगा, कैसे क्वेश्चन सिंपलीफाई हो रहा है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, ऐसे सम्स के लिए यही अप्रोच रखो, जब पावर में m n ऐसा कुछ दिख रहा है पावर में तो ट्राई टू टेक लॉग, इससे देखो क्वेश्चन कितने जल्दी से कितने आसानी से सिंपलीफाई होगा। मैंने लॉग ले लिया दोनों साइड, तो लॉग ऑफ x रेज़ टू m into y raised to n is equal to log of x plus y raised to m plus n. अब log की property लगा देते हैं, log पहले तो अंदर जाएगा, तो m log x plus n log y आ जाएगा, log के सामने अगर multiplication होगा तो m into n, log of mn is equal to log m plus log n, और m raised to n होगा तो वो power के power जो होगा वो नीचे आ जाएगा, log का property, okay? यहाँ पर देखो ये सामने लिखा हुआ है ऊपर लिखा हुआ, सो log of m raised to n वाली प्रॉपर्टी n into log m, log of x plus y, after this let's differentiate this, चलिए देख सकते हो आप बहुत ज्यादा सिंपलीफाई हो चुका है सब,
यहाँ पर हमें u into v rule नहीं अप्लाई करना है, तो जब u into v rule अप्लाई नहीं करना है, कंपोजिट फंक्शन का ज्यादा यूज नहीं करना है, तो क्वेश्चन काफी सिंप्लीफाई हो चुका है। तो चलिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। सो दिस विल बिकम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो m इज अ कांस्टेंट, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होगा, तो m अपॉन x आ जाएगा, प्लस n इज अ कांस्टेंट, log y का डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन से होगा, log y का डेरिवेटिव है 1 अपॉन y * dy / dx। ये m प्लस n दोनों कांस्टेंट है हमारे लिए। अब log का डेरिवेटिव log x का होगा 1 अपॉन x, यानी कि m प्लस n अपॉन x प्लस y, क्योंकि log x का डेरिवेटिव * डेरिवेटिव जिसको x कंसीडर किया, आपने डेरिवेटिव इसको कंसीडर किया ना x, तो इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy / dx। डोंट फॉरगेट टू राइट इट इन ब्रैकेट, बिकॉज़ ये पूरा एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वरना ये गलत हो जाएगा सर। तो आगे देखिए क्या होगा, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा। सबसे पहले m upon x plus n upon y dy / dx is equal to m plus n upon x plus y, इसको पहले मैं अंदर लेके गया, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही वापस आएगा, और प्लस m plus n upon x plus y dy / dx। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सारे dy / dx वाले टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, और सारे वो टर्म्स जिसमें dy / dx नहीं है उसे एक साइड में लिख दिया। तो यहां पर आएगा m upon x और ये यहां पर आ जाएगा LHS में, so minus m plus n upon x plus y आ जाएगा, इसको वहां लेके जाओ, so m plus n upon x plus y dy / dx जो कि ये है, and this term will go there, it will become minus n upon y dy / dx। ओके, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर LHS को, so LCM m into x plus y plus sorry minus x into m plus n upon upon what x into x plus y, so x into x plus y equals to यहाँ से dy / dx कॉमन निकाल दो, so बचेगा क्या, m plus n upon x plus y, okay minus n upon y minus m upon y dy / dx। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सबको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x into ये mx हो जाएगा plus my हो जाएगा, चेक कर लो, माइनस एम एक्स हो जाएगा और माइनस एन एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स इनटू एक्स प्लस वाई, कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, एम एक्स और एम एक्स कैंसिल हो रहा है, यहां से इसको एलसीएम ले लेते हैं, वाई इनटू एम प्लस एन माइनस एन इनटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई इनटू एक्स प्लस वाई एंड देन डीवाई बाय डीएक्स। तो देखिए यहां पर क्या बचेगा क्लास, आप देख सकते हो एम वाई माइनस एन एक्स बचेगा, एक्स इनटू एक्स प्लस वाई is equal to y को अंदर लेके जाओ, m y plus n y minus n x minus n y upon y into x plus y dy / dx, कुछ cancel हो रहा है शायद यहाँ पर n y और n y m y m y minus n x m y minus n x, ये भी तो cancel हो जाएगा दोनों साइड, यहाँ से क्या cancel हो रहा है, यहाँ से x plus y cancel हो रहा है, ये y यहां पर आ जाएगा, आपको आंसर मिलेगा y by x is equal to dy by dx, फाइनल आंसर मिल गया मुझे, देख सकते हो आप dy by dx का आंसर फाइनली y upon x, इतने बड़े फंक्शन का आंसर सिर्फ y upon x है, लेकिन काम अभी अधूरा है, ये काम पूरा नहीं हुआ, हमें निकालना है d square y upon dx square, तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, चलो डिफरेंशिएट करते एक और बार, d square y upon dx square will be, चेक कर सकते हैं u by v rule लगेगा यहां पर, yes u by v rule, तो चलिए u by v rule लगाते हैं, v derivative of u यानी कि v derivative of u minus u y derivative of dx, मतलब derivative of x तो 1 होता है ना, तो यहां पर 1 आ जाएगा divided by x square divided by x square। अब dy / dx का वैल्यू क्या मिला हमें, dy / dx का वैल्यू मिला y / x, तो यहां पर डाल दो dy / dx का वैल्यू, x into dy / dx का वैल्यू है y / x, मैंने यहां पर डाला y / x minus y upon x square, x x cancel, y minus y upon x square, और बताइए y minus y तो 0 होगा, वहां पर 0 आ जाएगा, and final answer for d square y upon dx square is equal to 0, pause the video to note down this, so these are the few sums which are based on your higher order derivative, higher order के जो भी sums आप देखोगे सारे इस किसी ना किसी type में आ जाएंगे, आप उसे easily solve कर सकोगे, अगर मैंने जितने भी questions लिए आपने अगर वो देखे होंगे तो कोई भी सम्स उठा लो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझा है, एंड दिस वाज द एंड ऑफ योर डिफरेंशिएशन।
कमिंग लेक्चर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है क्लास. स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर एंड ऑल्सो कॉमेंट. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.